राम राम जी दोस्तों, हमारी सिट्रोन की जो C5 थोड़े दिन पहले जो हमारी इंडियन मार्केट में आई थी, जो कि सिट्रोन की काफ़ी प्रीमियम कार है, काफ़ी प्रीमियम SUV है, बट अगर प्राइसिंग के मामले में देखा जाए तो काफ़ी अच्छी वो गाड़ी नहीं थी, काफ़ी हायर साइड थी और ज़्यादा वो गाड़ी हमारी सेल भी नहीं हुई है। बट इस चीज़ को ठीक करने के लिए और इंडिया में अपने पैर जमाने के लिए सिट्रोन जो है अपने एक और नई गाड़ी लेके आ रहा है, सिट्रोन C3। एंड सिट्रोन के हिसाब से ये कॉम्पैक्ट SUV नहीं है, ये एक हैचबैक है जो कि हमारी कॉम्पैक्ट SUV जैसी लगती है। एंड दोस्तों, इस गाड़ी का जो हमारा एक्सटीरियर है और जो इंटीरियर है वो तो हमारे सामने आ गया है और कुछ इसके फीचर्स भी जो है वो रिवील हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी गाड़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जितनी जानकारी हमारे पास है सारी आपके साथ जो हम शेयर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज की वीडियो करते हैं शुभारम्भ। दोस्तों, का सबसे पहले हम गाड़ी के डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। तो गाड़ी की जो हमारी लेंथ है वो 3.98 मीटर है और वहीं पे जो उसका व्हील बेस है दोस्तों 2.54 मीटर है। एंड इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं तो 180 mm की यहाँ पे हमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो फॉर द कंपेरिजन यहाँ पे जो बलिनो है उसे थोड़ी सी छोटी है, पर जो गाड़ी का व्हील बेस है वो बड़ा है। वहीं पे दोस्तों गाड़ी को देखते ही पता चल जाता है कि इसके अंदर 100% सिट्रोन का ही DNA है। डिज़ाइन के साथ कुछ भी यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं की गई है। ट्रिपिकल सिट्रोन का जो फ्रंट लुक है आपको वहाँ पे ये देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है स्प्लिट DRLs देखने के लिए मिल जाते हैं एंड उनकी यूनिक लुकिंग जो हमारी ग्रिल है जिसमें सिट्रोन का साइन भी इम्प्रेस रहता है वो आपको जो है देखने के लिए मिल जाती है। एंड वहीं पे दोस्तों कॉन्ट्रास्ट कलर के यहाँ पे आपको जो है फ्रंट में फॉग लैंप्स की हाउसिंग एंड साइड में जो क्लैडिंग है उस पर कलर जो है देखने के लिए मिल जाता है, जो कि इस गाड़ी को थोड़ा सा यूनिक लुक एंड स्पोर्टियर जो है बना देता है। वहीं पे दोस्तों जो गाड़ी का हमारा रियर है उसको काफ़ी सिंपल यहाँ पे रखने की कोशिश की गई है। मोर ओवर यहाँ पे आपको जो है यूरोपियन डिज़ाइन की झलक देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे आपको ड्यूल कलर के भी ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, बिल्कुल ही यूनिक डिजाइन के यहाँ पे आपको LOBS देखने के लिए मिल जाते हैं। बट यहाँ पे ये चीज है, जब इंडियन मार्केट में आएगी तो शायद आपको जो है डिफरेंट LOBS देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं पे इस गाड़ी में आपको रूफलेस भी देखने के लिए मिल जाते हैं एंड इसका जो स्टांस है काफी टॉल है, पूरी प्रॉपर कॉम्पैक्ट SUV लगती है, बस सिट्रोन इसको जो है एक हैचबैक ही बुला रहा है। बाकी दोस्तों डिजाइन के बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाला हूँ, चूंकि जो डिजाइन है वो सबका अपना अलग चॉइस होती है। आपको इस गाड़ी के डिजाइन लुक कैसे लग रहे हैं, गाड़ी का एक्सटीरियर आपको कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड वहीं पे दोस्तों थोड़ा सा समय निकालिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। वहीं पे दोस्तों गाड़ी के इंटीरियर के बारे में बात करते हैं तो काफी यहाँ पे यूनिक आपको जो है इंटीरियर देखने के लिए मिल जाता है। जो इंटीरियर है उस पर काफी काम किया गया है, छोटी सी छोटी डिटेल भी काफी काम किया गया है। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल यूनिक डिजाइन के आपको जो है AC वेंट्स देखने के लिए मिल जाता है। जो AC वेंट्स का डिजाइन है बिल्कुल यूनिक है, काफी अच्छा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंड दोस्तों जो कॉन्ट्रास्ट कलर का आपको एक्सटीरियर में हमें झलक देखने के लिए मिली थी वही सेम कलर आपको इंटीरियर में भी देखने के लिए मिल जाता है बहुत सारी जगह पे, जैसा कि आप जो है इमेजेस में देख पा रहे होंगे। वहीं पे दोस्तों जो हमारा डैशबोर्ड है उसमें आपको जो है अपराइट स्टैंड एंड फ्लैट जैसा प्रेजेंस देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे जो सिट्रोन है उन्होंने काफी यहाँ पे डेयरिंग वाला काम किया है हमारे डैशबोर्ड के साथ, यहाँ पे काफी यूनिक आपको एलिमेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बिल्कुल हटके यहाँ पे उन्होंने डैशबोर्ड बनाने की कोशिश की है। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल सेंटर में फ्लोटिंग स्टाइल का डैशबोर्ड में इंटीग्रेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेटिव सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पे दोस्तों जो सिट्रोन है वो हमारा जो कैबिन स्पेस है, जो हमारा यहाँ पे स्टोरेज है, यूटिलिटी है, उस पर ज्यादा फोकस कर रहा है फीचर्स के मुकाबले। उसी के चलते वो जो रियर हमारी सीट्स है या रियर कैबिन आपका स्पेस है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है अगर हम सेगमेंट की बात करते हैं। वहीं पे दोस्तों जो स्टोरेज रहते हैं वहां पे भी कंपनी ने काफी अच्छा काम किया है, आपको आगे एंड पीछे मोबाइल होल्डर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, मींस आपको जो स्पेस मिल जाता है अपना फोन रखने के लिए। बाकी जो हमारे बोतल होल्डर्स है वो भी काफी बड़े हैं, जो कि आपको डोर्स में प्रोवाइड किए गए हैं। मैगजीन होल्डर्स भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं पे दोस्तों हम फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो फीचर में बहुत कुछ बताना बाकी है, बट इंटरनेशनल मार्केट में इस गाड़ी को रिवील किया गया है तो वहां पे जो AC है वो आपको मैनुअल देखने के लिए मिल जाता है। गाड़ी के अंदर जो हमारे
ORVMs वो मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ आते हैं और जितने भी हमारे हेडरेस्ट हैं सारे फिक्स हैं। वहीं पे दोस्तों इस गाड़ी में आपको जो है 3 spoke का एक स्टेयरिंग व्हील देखने के लिए मिल जाता है। स्टेयरिंग व्हील पे आपको जो है सारे कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाएंगे हमारे मीडिया से रिलेटेड एंड कार की जो MID है उससे रिलेटेड। एंड वहीं पर दोस्तों यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो हमारा ऑल डिजिटल रहने वाला है, जैसे कि आप इमेजेस में भी देख पा रहे होंगे। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर रियर में हमें किसी भी किस्म का आर्म रेस्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। बस दोस्तों सोर्सेस के हिसाब से जब इंडियन मार्केट में गाड़ी आ जाएगी तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों में पक्का चेंजेस देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि सेगमेंट के हिसाब से यहाँ पे आपको ऑटो AC टॉप मॉडल के अंदर आपके जितने भी हेडरेस हैं वो हमारे एडजस्टमेंट के साथ आने वाले हैं एंड जो हमारा ORVM है वो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक की एडजस्टमेंट के साथ आएंगे, ऐसी आकांक्षा है। वहीं पे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सेंटर में आपको इन्फॉर्मेटिव सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, जिसके अंदर आपको जो है मैसिव 10 inch की स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है, जो कि हमारे एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो दोनों को ही सपोर्ट करती है। एंड मोर ओवर इसमें आपको जो है मिरर लिंक टेक्नोलॉजी भी देखने के लिए मिल जाती है। अब ये तो बात हो गई दोस्तों गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर के बारे में, वहीं पर गाड़ी के अंडर दी हुड में क्या देखने के लिए मिल जाता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो इंजन स्पेसिफिकेशन है उनके बारे में कुछ भी कंफर्म ही नहीं कहा गया है, पर ये आकांक्षा है कि जब ये गाड़ी इंडियन मार्केट में आएगी तो इसमें 1.2 लीटर का एक पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन देखने के लिए मिलेगा एंड इसी के साथ दोस्तों सेम 1.2 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी देखने के लिए मिलेगा। तो यही 2 इंजन आपको देखने के लिए मिलेगा, इस गाड़ी के अंदर किसी भी किस्म का डीजल इंजन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि गाड़ी के प्राइसिंग एंड लॉन्च क्या रहने वाली है। तो उसके अगर लॉन्च डेट के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा Q1 है 2022 का, तब इस गाड़ी को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। और प्राइस करें बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे कंपनी ने बताया ये एक हैचबैक है, तो ये हमारे जो मारुति बलेनो है उस सेगमेंट में जो है उतरने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये 7 से 10-11 लाख के बीच में रहने वाली है एक शोरूम। एंड दोस्तों ये जो गाड़ी है इंडिया में ही मैन्युफैक्चर एंड असेंबल होने वाली है। तो दोस्तों ये था हमारे क्विक अपडेट हमारे सिट्रोन C3 के बारे में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस गाड़ी के बारे में किसी और गाड़ी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं था आपका होस्ट दोस्तों शानदार, आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटो मफ। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।